मॉर्निंग कहने की, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, बस हर वक्त मेरे मुंह पे गुड मॉर्निंग ही रहता है। और आप देखें ना आजकल कितना शादियों का सीजन है। कल भी मेरे ख्याल से तीन शादियों में गई हूँ। क्या दूल्हा यही आ गया क्या? बोलने तो दे। हाँ तो मैं आपको बता रही थी, उफ, डाइटिंग कर रहे हो। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। वो आप गलत सेट पे आ गई हैं। यहाँ पे आप होस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे आप गेस्ट हैं। क्योंकि आदत सी हो गई है मुझे, है ना, है ना? क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे तो लगता है कि मतलब सिर्फ मुझे इंटरव्यू लेना ही आता है, इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल है। नहीं लेकिन आप मेरी जॉब क्यों, मतलब आप समझे ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी होस्ट हैं। अगर आपने यहाँ पे होस्टिंग शुरू कर दी तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जाऊँ वही बहुत खुश हूँ, है ना। और वैसे भी सुबह सुबह दिमाग ज्यादा चलता है, ये जो आपका वाला टाइम है ना दिमाग नहीं चलता है। लेकिन इंट्रो आपने फिर भी बहुत अच्छा किया है। पता नहीं मुझे तो, मैं कह रही हूँ ना, मुझे आदत सी हो गई है। अच्छा जब आपको अब आदत हो ही गई है, माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स को आपने अपने शो में इंट्रोड्यूस किया है। एक पाकिस्तान की ऐसी बड़ी सितारा है कि आज तक आपने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया। कौन? आप। अगर आपको निदा यासिर को इंट्रोड्यूस करना हो, मैं ये जरूर देखें, मैं क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैंने तो अभी नई नई होस्टिंग शुरू की है, आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको निदा यासिर को इंट्रोड्यूस करना हो तो आप कैसे करेंगी, मैं आज ये जानना चाहूंगा और मैं सीखना चाहूंगा। तो प्लीज तालियां निदा जी के लिए। निदा जी आज निदा यासिर को इंट्रोड्यूस करेंगी। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मैं यहाँ, आप दैट्स योर कैमरा। जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप झूठ तो बोल नहीं सकते। क्यों ना, आपको सबको खुश करना पड़ता है, आप अपने बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। तो मैं अपने बारे में नहीं, मैं आपको बुलाने वाली। लेकिन 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 आपने ना ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप अपने आप को, मतलब यू आर नॉट निदा, आप इंट्रोड्यूस कर रही है निदा। अच्छा। इसलिए कोई बुरा मनाएगा भी नहीं। अच्छा दैट्स द फन ना, दैट्स द फन। बस ठीक है ठीक है ठीक है। ओके आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें कोई छोटी चीज नहीं, मतलब हर चीज मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक बेटी थी तो वो बुरी बेटी नहीं थी, मगर बहुत अच्छी बेटी भी नहीं थी, मगर एक अच्छी बेटी थी। अगर वो एक माँ है तो बहुत अच्छी माँ नहीं, लेकिन बुरी माँ भी नहीं, मगर अच्छी माँ है। और साथ साथ एक बहुत अच्छी बीवी भी नहीं, लेकिन बुरी बीवी भी नहीं, मीडियम। लेकिन होस्ट की दुनिया की the undisputed queen of morning shows, ladies and gentlemen, निदा यासिर। तालियां बजा देती हूँ। अरे ऐसे कैसे, इतनी मॉडेस्टी, इतनी मॉडेस्टी। क्या बैठूं? जहाँ आप बताएं ना, जहाँ लाइट अच्छी आती है, जहाँ प्यारे लगते हो। पूरा सेट आपका निदा जी, आप इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ आपके सामने। अरे नहीं आप ये तो कोई ऐसे बैठे, ये वाली चीज थोड़ी होनी चाहिए, पूरी लाइट आप पे रहे ना। नहीं 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 बैठे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ अच्छा, यहाँ हाँ कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? सबको पता ही है हम पड़ोसी भी हैं। बिल्कुल। और हमारा जो एक रिलेशनशिप है इतना प्यार का, इतना मिठास का। बिल्कुल। और आते जाते हमारी अक्सर एक दूसरे सलाम दुआ, सलाम दुआ मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल। इसलिए आज का जो शो है ना भाई, मैं पहले से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा हम मजा और शोर शराबा करेंगे। मैं भी एक लाउड शख्सियत का मालिक हूँ, निदा भी होल्ड बैक नहीं करती भाई। मैं बोर नहीं हो सकती भाई, है ना? चार दिन की जिंदगी क्या करना बोर और है ना? क्योंकि ऐसे ही है बिल्कुल। निदा वैसे गोइंग बैक टू द टाइम जब आपको पहली बार मौका मिला टेलीविजन में आने का, आपको याद है वो दिन या वो मोमेंट, वो क्या था?
जैसे आपको पता है मेरे अब्बू पीटीवी में डायरेक्टर थे, अम्मी भी डायरेक्टर थी. सो उस वक्त नहीं सोचा था मैंने कि मैंने ड्रामे करना है. मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहती थी और उसकी पढ़ाई के लिए, मैं पैसे इकट्ठा करने के लिए मैंने एक बहुत बड़े 5-star होटल में होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली और शोबिज में आई एक्टिंग के लिए पैसे जमा करके. अच्छा, कि जरा पैसे जमा करके स्विट्जरलैंड जाऊंगी, लूसर्न जाऊंगी, वहां से होटल मैनेजमेंट करूंगी और ये वो सारा. लेकिन जब मैं यहाँ गई उस होटल में काम करने ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने कहा पाकिस्तान में तो कोई स्कोप ही नहीं है, मैं क्या करूँ इतना सब कुछ पैसे जमा करके. और सो फिर बस एक्सीडेंटली इधर आ गई. और फिर पैसे तो बहुत जमा किया आपने. माशाल्लाह माशाल्लाह, और सारी दुनिया भी घूमी माशाल्लाह. वो शौक है मुझे, लेकिन पैसे जमा हो गए, पैसे के पीछे कभी भागी नहीं. तभी तो इतने साल से एक ही चैनल पे काम कर रही हूं. तो क्या यही वजह है कि आपने एक्टिंग का करियर उस तरह से नहीं परसू किया? नहीं नहीं, एक्टिंग जो है मेरा पहला प्यार है, ठीक है. और कहते हैं गो विद द फ्लो. मजबूरी के तौर पे मैंने होस्टिंग शुरू की थी क्योंकि मैं चाहती थी कि छोटे बच्चे हैं उनको मैं पूरा पूरा दिन छोड़ के नहीं रह सकती. सो इसलिए मैंने कहा होस्टिंग सही है. उस वक्त रिकॉर्डेड शो कर रही होती थी तो पूरा महीने में 4 दिन का काम होगा और छुट्टी फिर बच्चों के पास. सो वो करते 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 अल्लाह ने इस चीज़ में इतनी इज्जत दे दी. तो फिर मैंने कहा कि बस यही करते हैं, ज़्यादा हौका नहीं करना चाहिए कि होस्टिंग भी करो तो एक्टिंग भी करो, वहाँ भी भागो ये भी करो. सो मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं भागी हूँ, बस वो खुद ब खुद अल्लाह ताला ने एक डायरेक्शन निकाल दी और वो तक. लेकिन एक ऐसा रोल और एक ऐसी जॉब है जो बहुत भागने वाली है, भागम दौड़ वाली, वो है फिल्म प्रोड्यूसर. हाय 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 हाय, मत पूछो मत पूछो मत पूछो. अल्लाह अल्लाह, मैं मुझे कोई शौक नहीं है प्रोड्यूसर वगैरह बनने का. मुझे अपने मियां को मदद. 4 फिल्में प्रोड्यूस आपने ऐसे ही कर ली मजे में? नहीं, जो पिछली 3 फिल्में थी वो उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट की थी, कोई काम नहीं किया था. मुझे पता है फॉर अ फैक्ट इतनी भागम दौड़ आप, मतलब थोड़ी बहुत वो मैं नेचुरली मैं भागम दौड़ वाली हूँ. कि आपके कौन से बैठ नहीं, आपके कोई इवेंट होगा ना और आप कहेंगे मुझे प्लीज हेल्प कर दो, तो मैं भागम दौड़ करके कर दूंगी. मैं वो मेरी नेचर है. सो मैंने अपने मियाँ को हेल्प करने का मेरा एक बहाना था. मैं घर में उसके निकाल के कपड़े इस्त्री नहीं करती और ये चीजें नहीं कर रही होती, लेकिन मैं बड़े बड़े काम करती हूँ. तालियां. मियाँ के कपड़े इस्त्री करें ना करें और पतलून और शर्ट निकाल के दे दें उनके लिए फिल्म प्रोड्यूस करना, लेकिन उनको फिर भी खुश नहीं होते. उनको चाहिए मेरे मैचिंग की पतलून और शर्ट निकाल के दें, फिर अच्छी टीवी होगी. कमिंग बैक टू फिल्म प्रोडक्शन, बहुत मुश्किल काम है स्पेशली हमारे मुल्क में. तो इतनी बिजी लाइफ माशाल्लाह, वेयर हर रोज सुबह आपका एक सेट स्केड्यूल है, आपने जाना है, आपने अपना शो करना है, बच्चों को टाइम देना है. तो फिल्म प्रोडक्शन जैसा चैलेंजिंग काम, व्हाई वुड यू से कि यार ठीक है मैं कर लूंगी? जैसे चक्कर तो आपने पूरी प्रोड्यूस भी की है ना, पहले चले इन्वेस्ट किया था. जी जी जी. तो वो वाली एनर्जी और मोटिवेशन कहाँ से आई? वो कुछ नहीं, बस यासिर को करके दिखाना था. अच्छा, दूरी दुनिया. यार यासिर भाई क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं? मियां को करके दिखाना था कि देखो मैं सारी चीजें कर सकती हूँ. नहीं, लेकिन ये यासिर भाई कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे? हो गए ना, अब हुए हैं जाके. हो गए, मैं तो बाजू चढ़ा लिए थे. आपका निदा के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव है भाई, ऐसी बात नहीं है. पूछूं मैं उनसे यार कि क्यों नहीं कन्विंस हो पा रहे वो? नहीं, वो बस एक प्रूफ करना होता है ना आपको. प्रूफ, जब कोई भी खातून कुछ भी करी होती है, कभी उसे दुनिया को प्रूफ करना होता है, कभी अपने आप को प्रूफ करना होता है कि हाँ मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ. सो मुझे बस एक ही शख्स को प्रूफ करना था, बाकी सब जानते हैं मेरे बारे. एज अ प्रोड्यूसर वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए और आपने बोला यार भाई मैंने आइंदा फिल्म प्रोड्यूस करनी नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी परमिशंस होती हैं गवर्नमेंट के हवाले से. आपको अगर अपने पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जा जाके मतलब. बाकी मैंने देखा और दुनिया भर में आपको टूरिज्म वाले और वो खुद बहुत आसानियां पैदा कर देते हैं. सो अभी हमें जो है ना उन सारी पेपर वर्क और उसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता. थोड़े जो एक्टर्स परमिशंस के लिए. लेकिन एक्टर्स तंग करते हैं या नहीं करते? करते हैं. ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ना करें? किस तरह की तंग करते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं? लोगों को पता चले ना, उनको बड़ा शौक होता है जानने का. देखिए, मैं खाली एक्टर्स को नहीं कहूंगी, जो भी और किसी और जॉब में काम कर रहे होते हैं, कभी कभार डॉक्टर्स भी लेट पहुंचते हैं ऑपरेशन के लिए. वो होता है उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है पर्सनल, तो वैसे एक्टर्स भी लेट आते हैं. कभी कभार बीच में आपने शूटिंग की डेट सबसे ली होती है, वो बीमार हो जाते हैं और काम कर करके वो इतना थक जाते हैं कि उनको आराम की जरूरत होती है, तो कभी कभार वो छुट्टी कर देते हैं. मैं नहीं आ रही, मेरी तबीयत खराब हो गई है,
या ये कपड़े अच्छे नहीं है, वो खाना अच्छा नहीं है, जो छोटी छोटी चीजें, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो एक्ट्रेस का हक है थोड़ा बहुत नखरे दिखाना। तो अब चूंकि 2022 तो खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल 2023 के क्या प्लान्स हैं? कोई और फिल्म प्रोड्यूस कर रही है? नादानिया का रीबूट हमने सुना था डिजिटल के लिए आप लोग कर रहे हैं, उस पे क्या अपडेट है बताएं? एक्टिंग का सोच नहीं है? वो यासिर से इंटरव्यू कीजिएगा, वो उनसे पूछ लूंगा मैं। अगला साल जो है वो अभी तो मैंने फोकस ही करना है अपनी होस्टिंग पे ही और चीजों पर। कोई मैंने अभी प्लानिंग नहीं की कि मैं अगले साल ये करूंगी। एक दफा मैंने नजूमी को हाथ दिखा दिया। मेरा कोई शो था, न्यू ईयर का रिकॉर्ड करी थी वहाँ, नजूम जिंदगी में कभी नहीं दिखाया था। उस नजूमी ने मुझे कहा, आपको पता है आपके मियाँ का एक ऐसा बच्चा निकलेगा जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। फिर दिमाग में बैठ गया, मेरे दिमाग में बैठ गई, यासिर ने शूटिंग पे किसी बच्चे को उसमें उठाया हुआ शूटिंग पे गोद में, और क्योंकि नजूमी ने मेरे दिमाग में डाला था, उसने तस्वीर इंस्टा वगैरह पे लगा दी। मैंने उसे फोन किया, किसका बच्चा है, क्या है ये? वो परेशान। फिर मैंने उसे आहिस्ता, उसने कहा आपकी इतनी लड़ाइयाँ होंगी, आपका फलाना होगा, आपका ये होगा। मेरे वो दिमाग में चीजें बैठ गई, इसलिए उस दिन के बाद से मैं कभी नहीं सोचती मेरा अगला साल कैसे गुजरे। अच्छा, हाँ, ये किस साल की बात है? बाय द वे 2 साल पहले की, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी उस साल। माशाल्लाह यासिर भाई गोइंग स्ट्रॉन्ग। अभी तो कोविड से पहले की, सॉरी कोविड से पहले की। तो अभी तो उसने ये तो नहीं कहा था ना नजूमी ने कि इसी साल होगा? नहीं मिला कोई बच्चा मुझे, मैंने इधर भी ढूंढा उधर भी ढूंढा, कोई नहीं मिला मुझे। फिर भी नजर रखनी पड़ेगी मुझे लगता है। बहुत सारे लगाए वजह से। मेरे लिए इतने ऑनर की बात है आज आप आई हैं मेरे शो पे। आप इज्जत देने वाले हैं, तभी आती हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच, मीन सो मच टू मी। अब मैंने रियलाइज किया है कि टेलीविजन की होस्टिंग वाला जो मामला है ना, ये बड़ा मुख्तलिफ है और काफी चैलेंजिंग भी है। हाँ। तो अब क्योंकि आप आई हैं आज मेरे सेट पे, पाकिस्तान की सबसे बड़े होस्ट है भाई, दोबारा तालियां होनी चाहिए यार इस बात के ऊपर। तो क्यों ना कोई एडवाइस, मशवरे, टिप्स आज आप मुझे ऐसे दें, बताएं होस्टिंग के बारे में कोई ऐसे राज जो मुझे नहीं मालूम, जो आगे चलते हुए मेरे काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सेट पे कोई ऐसा गेस्ट आया है जिसका उस दिन मूड अच्छा नहीं है, उसको डील करने का क्या तरीका होना चाहिए? ब्रेक के दौरान एक तो उसके चाय पानी का ख्याल खुद करें, यस, क्या खाएंगे या खुद पूछें, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा हल्के 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 इंटरव्यू करने से पहले उसे वार्म अप करें, मतलब ब्रेक में, कि थोड़ी सी उससे बातचीत करके उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करें, मस्ती भरे किस्से सुना के वो, ताकि जब आप वापस आए ब्रेक के दौरान, ब्रेक के बाद, तो फिर वो ऑटोमेटिकली, इंसान है ना, इंसान का मूड हो सकता है अच्छा, थोड़ा सा उसको वार्म करने की जरूरत है, यानी उसकी बात सुन लें किस वजह से परेशान है, अगर वो बताना चाहे। ये सिंपल सी चीज है। और कभी कभी कोई गेस्ट ऐसे आते हैं जो हिचकिचाते हैं सवालों का जवाब देने के लिए, या जनरली ज्यादा बात नहीं करते। हाँ। उनको ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं कि उनके साथ कॉन्वर्सेशन को ज्यादा एंगेजिंग बनाया जा सके? अच्छा, क्योंकि अगर आपको बातें करने का शौक है ना, अगर आप ये वाली बात उन्होंने कहा है कि मुझे ये नहीं करनी, तो आपके पास ये बहुत सारी और बातें करने की, क्योंकि आप अंदर से बातूनी है ना, तो आप किसी और रुख पे ले जाएं, बातों से बात निकलेगी, वो भी नाराज नहीं होंगे, और जरूरी थोड़ी है कि हम उनको नाराज करके अपनी शो की रेटिंग बढ़ाएं। तो ऐसा होता है कि अक्सर जब आपके शो पे गेस्ट आते हैं, वो आपसे पहले से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि निदा प्लीज हमसे ये सवाल मत पूछिए। जी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स आए हैं जिन्होंने कहा, वो शादीशुदा थे, उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं हमारे निकाह हुआ है, शादी हुई है। हाँ, अब मुझे अगर उनके आपस के सवाल करने थे एज हस्बैंड वाइफ, तो वो तो मेरे हाथ से गए ना। हाँ। कितनी सारी मजे मजे की बातें नहीं कर सकी, तो मैंने उनसे एज एन एक्ट्रेस और एज एन एक्टर, हीरो हीरोइन के तौर पे पूछ लिया कि जब आप रोमांटिक रोल्स करते हैं तो क्या होता है, वो घुमा फिरा के तो हमारा काम है ना करना। हाँ। उन्होंने नाराजगी जाहिर की, मेरे भी सवाल हो गए। लेकिन ये बताएं कि वो जो कोई थे उन्होंने अब अनाउंस कर दी अपनी शादी? नहीं, अभी भी नहीं की। अभी भी नहीं गई? तो इस तरह के ये जो राज आपके पास होते हैं, वेयर यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, उनको अपने तक महदूद रखना, ये तो और ज्यादा मुश्किल होता होगा। मैं आपको बताऊं सर, मेरे पास वो राज भी होते हैं जो किसी जर्नलिस्ट के पास भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेरा बचपन इसी फील्ड में गुजरा है। तो जो लेजेंड, जो सेलिब्रिटी मेरे यहाँ सामने बैठा है, उसको तो मैं उसका कच्चा चिट्टा सब जानती हूँ। मगर मेरी सबसे पहली जॉब है मेरे गेस्ट को इज्जत देना, तो मैं क्यों उसके राज फाश करूंगी? तो ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी आपके पास किसी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अपकमिंग प्रोजेक्ट से, ऐसी पर्सनल लाइफ की नहीं। हाँ। तो वो होस्ट
किस हद तक इंगेज कर सकता है उस तरह की इंफॉर्मेशन को, हाँ. कि मजीद इंफॉर्मेशन निकालने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा पता चला है कि जी निदा अगले साल किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज में नजर आएगी. हाँ, अब हाँ. निदा ने ये बात अनाउंस नहीं की, ठीक है. मैं अपने शो पे निदा को बुला के उनसे इस बारे में पूछूं या ना? आप ऐसे पूछें कि निदा को पता ही ना चले कि आप पूछ रहे हैं. आप बड़ा अच्छा कर रही हैं, वो जो वो इंटरनेशनल हुआ है. हाँ, उस प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे मज़ा बड़ा आया उसमें. और आप बता सकती हैं कि वहाँ प्रोफेशनलिज्म कितना था? वो इस तरह हो सकता है घुमा फिरा कि जब आप जैसे जैसे वक्त पास होगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, तो ये सिखाने वाली चीजें नहीं होती, खुद ही इंसान को आ जाती है. हाँ. तो अभी भी इतने माशाल्लाह इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद जब आप सेट पे जाती हैं सुबह, नर्वसनेस होती है? एक्साइटमेंट होती है. नर्वसनेस नहीं होती है? नहीं, एक्साइटमेंट होती है कि वाओ आज ये नया गेस्ट है, उसकी नई बात होगी. तो मुझे तो एक्साइटमेंट होती है, यहाँ तक कि कोई सेलिब्रिटी है उसका कोई रिश्तेदार भी आ रहा है ना, हाय हाय बड़ा मजा आता है. और आज तक के ऐसे इंटरव्यूज हुए होंगे जो आपको हाँ. बहुत चैलेंजिंग लगे हों? हाँ. तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि उनके नाम क्या हैं, बट किस वजह से आपको ऐसा लगा कि अब जो जैसे शाहिद आफरीदी आए थे मेरे शो पे, तो मुझे क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है. तो अब आप थोड़े से कॉन्शियस है कि भाई क्रिकेटर सामने बैठा है, इतना लेजेंड आपके सामने बैठा है. मैं मुझे तो उनकी क्वालिटीज एज क्रिकेटर तो इतनी पता ही नहीं है. मुझे तो सिर्फ इसलिए कि लोग मशहूर हैं, उनके पीछे दीवाने हैं, पागल हैं, शाहिद आफरीदी एक नाम है. मैं नर्वस थी थोड़ी, लेकिन मैंने उनसे क्रिकेट के बारे में कोई बात ही नहीं की. उन्होंने पहली दफा मुझे बताया मेरी शादी कैसे हुई, उन्होंने बताया मेरी बेटियां ऐसे, मेरे अब्बू अम्मी फलान, जो और सवाल उनसे किसी और ने नहीं किए थे वो मैंने कर लिए. तो ये देखे ना, एक एडवांटेज हो गया. तो अब जरूरी थोड़ी होस्ट को सब कुछ आता भाई. हाँ बिल्कुल. और आप बड़े ओपनली ये बात एडमिट करती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हर होस्ट को हर चीज पता भी हो. हाँ, तो रिसर्च कर लेती हूँ कभी कभार, नहीं भी करती तो बंद होता है. लेकिन और इस केस में तो चले शायद आप नाम भी ले सकती हैं, ऐसे कौन सा गेस्ट है जिनसे बात करके आपको सबसे ज्यादा मजा आया, तो आपकी जिंदगी का बेस्ट शो? बहुत सारे हैं. अच्छा, कुछ नाम बताएं. बहुत सारे हैं, जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था, जुनैद जमशेद साहब जब मेरे मरहूम शो पे आए थे, इतना अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इतना मजा आया था. अमीर लियाकत बहुत अच्छा इंटरव्यू देते थे, वो जान डाल देते थे इंटरव्यू में. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एफर्ट करते हैं आपके शो को मतलब और ज्यादा अच्छा करने. होस्ट मुश्किल करना है, शो करना है, मुश्किल ज्यादा काम है या गेस्ट बन के आना ज्यादा? गेस्ट बनना तो बहुत मजा है. टेंशन नहीं. इसी मौके के ऊपर निदा हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है अवाम की आवाज. तो एज होस्ट एज गेस्ट आपका ये जितनी भी जर्नी रही है, हमने हमारे भाई एक सरफराज भाई उनको अच्छा. भेजा आवाम के बीच में. हाँ. और उनको ये कहा कि भाई निदा जी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन जितना ओपिनियन फीडबैक आप ले सकते हैं लेके आए. हाँ. हम निदा जी के साथ भी शेयर करेंगे. हाँ. उनके फैंस के साथ भी शेयर करेंगे. कैसा जबरदस्त सेगमेंट है ना? है जबरदस्त. मुझे अंदर से पता है कि क्या होने वाला है मेरे. अच्छा ही होगा जो भी होगा, लेकिन उसके लिए हमें वो उन कुर्सियों की तरफ जाना पड़ेगा. ये मुझे हाथ ही आवाम के, मैं बैठ के देखूँ की कितनी कम्फर्टेबल है. अवाम के हाथों में हम जाने वाले हैं. हाँ और सुनने वाले हैं कि अवाम क्या सोचती है निदा यासिर के बारे में. ओह माय गॉड. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सरफराज मुगल एंड यू आर वाचिंग द टॉक टॉक शो ऑन एक्सप्रेस टीवी. दुआ और सलाम. आई है बहुत बड़ी मेहमान, नाम है उनका निदा यासिर. है वो टिकटॉकर्स की जान, उससे भी ज्यादा है पाकिस्तान की शान. आवाम क्या राय रखती है उनके बारे में ये बताएंगे सरफराज मुगल आज आपको सरेआम. लेट्स टॉक टू पीपल, लेट्स टॉक टू पीपल. मैं उनके शोज नहीं देखती. अच्छा, उनके शो नहीं देखती? क्यों नहीं देखती उनके शो? टाइम नहीं होता. आप देखती है ना निदा यासिर का शो, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता बहुत माशाल्लाह. वो आपको देख रही है तो उनको एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, आप वो खुद मुझे इतनी प्यारी लगती है, ऐसे लगती है मेरी बेटी हो वो. अच्छा बताइएगा कैसा शो लगता है उनका? शीज वॉचिंग यू. अच्छा, उनका शो समटाइम बहुत अच्छा होता है, समटाइम जो है ना मजे का नहीं होता. अच्छी चीज़ ये है कि वो जैसे आजकल की लड़कियों के लिए कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, पर बहुत ज़्यादा मेकअप के बारे में ना बताया करें. आउट ऑफ 10 कितना देंगे इनकी होस्ट को? 6. 10 में से 10. 6. कैसा शो है उनका बताइए, शी इज वॉचिंग यू. हाँ अच्छा, बहुत अच्छा शो है. अच्छा, आउट ऑफ 10 कितने देंगे उनके शो को? 8. कोई एडवाइस देना चाहें निदा को शो के हवाले से? थोड़ा सा डिफरेंट, ये शादी की प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उसको थोड़ा चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट करे. बहुत अच्छा करती लेकिन मुझे पसंद नहीं आता. आपको क्या नहीं पसंद आया? ये लड़की का जो डांस का इतना वायरल हुआ है, पढ़े लिखे लड़कों को नहीं सामने लाया जा, डिग्री लेकर बैठे हैं उनको कोई सामने ला रहा, ये डांस को इसको ये कोई कल्चर है हमारा? लर्निंग होना चाहिए कि कोई भी ऐसा मैसेज हो
लोगों के लिए कि मतलब ये एजुकेशन के मुताबिक कुछ वो हो घरेलू मतलब ऐसा कि कोई एक हाँ वो जो ज्यादा मतलब मोबाइलों से नेट है जो उससे थोड़ा हटके थोड़ी और चीजों में डांस वगैरह आप चाह रही हैं कि रिमूव हो जाए शो से। हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो उनके अच्छे शो के अंदर क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है आपको उसके बात करने का अंदाज। अच्छा 10 में से कितने मार्क देंगे उनके शो को? बिल्कुल भी नहीं। एक भी नहीं। एक भी नहीं। आप जीरो। कैसा शो करती हैं? अच्छा। सच में बताएं वो शीर वॉचिंग अच्छा, अच्छा करती हैं। 10 में से कितने मार्क देंगे उनको? 9। प्रोडक्टिव होने चाहिए उसमें लोगों की लर्निंग होनी चाहिए कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे लोग पॉजिटिव कुछ सीखें। कैसा शो लगता है उनका? सो बता दें शीर वॉचिंग बहुत यूनिक है बहुत यूनिक है बहुत हटकर सब उनके शो में क्या चीज आपको सबसे ज्यादा जो है ना वो अच्छी लगती है? जो उनका ह्यूमर है वो बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा लगता है। नहीं उनका शो बहुत अच्छा था इसमें कोई शक नहीं है उनकी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह अच्छी है लेकिन उनको अपने शो में एटलीस्ट जो लोग बुलाने चाहिए ना वो ऐसे बुलाने चाहिए जिससे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोसीडर हो। आउट ऑफ 10 कितने देंगे? 6। रिएक्शन है आपको नहीं लगता कि बड़ा वेरिड और एक्सट्रीम्स है कि यार लोग बहुत पसंद करते हैं आपको तो सभी पसंद करते हैं बट जो शो है या उसको बहुत पसंद करते हैं या तनकीद का निशाना बनाते हैं जैसे या 9 out of 10 है या 0 out of 10 है या फिर 6 या फिर ज्यादातर 6 मुझे समझ मिडिल ग्राउंड है। इसकी क्या वजह आपके एतबार से? देखिए पता है आपको हर कोई आम जिंदगी में आपको सब पसंद नहीं कर सकते। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पे भी या तो आपके बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त होते हैं या होते कि क्या है मुझे नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल। सो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है आप सबको खुश नहीं कर सकते कभी भी। और दूसरी इतने सारे सवाल हैं उसका मैं एक इम्पॉर्टेंट जवाब देना चाहूँगी। मुझे जैसे शफात हैं जो उन्होंने ट्वीट की थी कि जब मैंने उस टिकटॉकर को बुलाया था बच्ची को आयशा को शो पे सो सब काफ़ी मेरे पीछे पड़ गए कि वो फलाने को मेडल वाले को नहीं बुलाते इसको नहीं बुलाते उसको। मैं बहुत शो ऐसे करती हूँ आप सोच भी नहीं सकते मैं कितने शो ऐसे करती हूँ मगर वो वायरल ही नहीं होते ना उनकी रेटिंग आती है ना उनकी रेटिंग आती है। मैंने एक शो पे 8-10 लोगों को बुलाया है बिठाया है ऐसे जो अलग अलग काम ऐसे करते हो मतलब जो मुँह खुला रह जाए देख के। आप सबको छोड़ें पावरी हो रही हो और वो जो वो बच्ची नहीं थी ज़ारा जिसने बहुत अच्छी टॉप किया था उसने मैंने दोनों को साथ बुलाया था आप किसको आप ज़्यादा जानते हैं कहाँ गई वो ज़ारा। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है इसमें लोगों का कसूर है। अगर उनको ड्रामे ऐसे सास बहू वाले ही रेटिंग ला रहे हैं तो चैनल ऐसे ड्रामे बना रहा है क्योंकि खुद वो देखते हैं और खुद रेटिंग देते हैं तो चैनल तो वही करेगा जो लोग देखना चाहते हैं। और दूसरी बात कि अगर मैं पढ़े लिखे लोगों को ला के शो पे बिठाती हूँ तो देखिए ना फिर आप क्यों नहीं देख रहे। वो वाला शो तो आपने देख लिया जो मैंने एक दफ़ा लोग ही कह रहे होते ना उसको बुलाओ मेरी था। अब तो ये हो गया है कि मेरी तस्वीर लगती है और उस फलाने की तस्वीर लग जाती है जिनको कसम से मैं जानती भी नहीं हूँ मैं उनको अपनी तस्वीर के साथ देख के जान पाती हूँ। ओ अच्छा ये क्या डांस किया है इसने ओ ये पता नहीं पावा आजकल पीछे पड़े नहीं तो उसको बुला लो अख्तर लावा मुझे नहीं पता मैं अभी तक कोई ऐसी सीन नहीं है मगर मैंने एक आदमी के साथ लगी अपनी तस्वीर देखी मैंने कहा भाई ये कौन है मैंने तो किसी के साथ ड्रामे पे इस तरह काम भी नहीं किया। फिर मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ओ तो आवाम ऐसे करती है फिर आवाम ये बोलती है तो होता तो ही है कि कोई भी वीडियो कोई भी चीज कोई भी पर्सनालिटी सोशल मीडिया पे वायरल होती है पहले नीचे कमेंट आता है यू विल नाउ सी दिस पर्सन ऑन निदा यासिर मॉर्निंग रोज शो करती हूँ मैं बहुत सारे आते हैं लेके अब तो पता नहीं दज्जाल आएगा तो निदा उसको भी बुला लेगी फलाने को भी मैं रोज शो कर रही हूँ जो आवाम को चाहिए वो मुझे SMS करते हैं DM करते हैं भाई तो मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ। एक आदमी ने तीसरी शादी की और जवान बीवी से उसने शादी की पता नहीं कौन सा उसने बिजनेस निकाला मुझे खत आते हैं वो खुद भी भेजता और लोगों से भी मुझे बुलाए मैंने कहा शादी करने पे बुलाऊं मुझे बुलाए। लेकिन मुझे एक बात बताएं माशाल्लाह एग्जैक्टली कितने साल हो गए आपके मॉर्निंग 14 साल हो गए। मेरा सवाल आपसे भी और आवाम से भी है अगर आपका मॉर्निंग शो कुछ अचीव नहीं कर रहा होता या अगर इसका किसी ऑडियंस इसको ना देख रही होती तो ये 14 साल कैसे चलता? देखिए अब मैं वही कह रही हूँ ना कि ऑडियंस जो नहीं देख रही वो सुबह सो रही होती है वो सिर्फ जो वायरल क्लिप होती है मेरे शो की वो देख लेती है कि निदा ने इसको बुला लिया उसको बुला लिया। सो मुझे तो पूरा मिक्स प्लेट करना पड़ता है शो और जिससे मेरे शो जो है वो लोग पसंद करते हैं। बहुत सारी आवाम ऐसी है जिनके पास शादी के अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है
जिनके पास और बहुत सारी एंटरटेनमेंट है वो सुबह उठ के लाइव मेरा शो नहीं देखते, उनको रात को पार्टी में जाना होता है, वो सुबह उनकी आंख नहीं खुलती। रिपीट भी तो होता है ना रात को आपका शो? रिपीट में देखते हैं, मुझे तो लाइव की रेटिंग चाहिए। सो मेरी आवाम के पास अगर उनको शौक है मेकअप सीखने का तो जो उनका दिल चाह रहा है मैं कर रही हूं। तो यू आर क्लियर इन योर हेड भाई, ये जो तनकीद करें ये आपकी ऑडियंस नहीं है। नहीं नहीं क्यों नहीं है, मतलब सही है अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो अगर ये इतनी तनकीद जो अभी ये लोग करते हैं, अगर 14 साल से जो ऑडियंस देख रही है वो तनकीद कर रही होती तो आपका शो तो ना चल रहा होता ना। नहीं ना, तो आपका शो चल क्यों रहा है 14 साल से? क्योंकि तनकीद करने वालों की तादाद शायद कम हो। कम है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो असल ऑडियंस है आपके शो की, तनकीद करने वालों को नहीं मालूम कि ये एक सेगमेंट एग्जिस्ट करता है, जो आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हाँ। और जो चीजें वो सीख रहे हैं उस शो से, मैं कौन होती हूँ किसी को सिखाने वाली? मैं कौन हूँ भाई? आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, होस्ट हैं। मैं एक आम औरत हूँ। नहीं नहीं, ये मैं इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं एक ऐसी हूँ औरत जो वहाँ बैठी औरत है, उन्होंने जो प्रैक्टिकली फील किया जिंदगी में चीजें वो मैंने भी की है। मैं भी माँ बनी हूँ, मैं भी बीवी हूँ, मैं भी बहू हूँ, मैं वो वाला शो करती हूँ। आपने कभी मुझे नाइट शो करते हुए देखा है? नहीं। वे ऐसे से कपड़े पहन के टांग निकाल के ऐसे बैठे हुए यूं करके देखा आपने? मैं नहीं कर सकती। तो मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ सिंपल। बट यू आर ऑल्सो पाकिस्तान की मीडिया सबसे पॉपुलर मीडिया पर्सनैलिटीज में से एक नाम, उसके साथ आपको लगता है कि कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार के शो के ऊपर इतनी ऑडियंस जो देख रही है, जैसे माशाल्लाह 14 साल से एक शो, हर रोज एक एपिसोड आना, एक तो पहले ही अचीवमेंट की बात है यार, ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। मैं ये टीवी शो करना शुरू हुआ ना, मुझे पता है कि यार इसके कितने प्रेशर होता है टेलीविजन के ऊपर, और रोज शो करना, रोज कॉन्टेंट निकालना, और इतना कॉन्टेंट निकालना कि आप रेटिंग्स में भी माशाल्लाह टॉप कर रही है, कॉन्वर्सेशन डिस्कशन सब चीजें बन रही है, तो ये आसान काम नहीं है। अल्लाह इज्जत देने वाला। तो ये 14 साल की इस जर्नी में अब आपको ऐसा नहीं महसूस होता यार कि जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है? बढ़ गई है। अब अगर देखिए मेरे कोई ब्लंडर्स भी वायरल होते हैं, अल्लाह का शुक्र है खुदा ने एहसान किया है, रिलीजियस कोई नहीं होते हैं, इस तरह की चीजें कोई नहीं होती जिससे कोई हर्ट हो। मैं पॉलिटिकल कोई ऐसी बात नहीं करती हूँ जिससे लोग बाकायदा हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा फॉर्मूला वन टाइप इस तरह के ब्लंडर्स हो जाते हैं, नमक और सॉल्ट बोल दिया भाई, तो मतलब यार, मतलब आम तौर पे भी तो मैं अपनी स्लिप ऑफ टंग हो गया, अपनी बहन और बेटी का एक नाम मिक्स कर देती हूँ कभी कभार, उसको गलती से सिला और सवेरा बोल देती हूँ, तो ये तो आम जिंदगी में भी होता है, और लाइव शो करी हूँ तो थोड़ी मैं मतलब अच्छा, एक फरिश्ता थोड़ी हूँ। एक सेगमेंट है ऑडियंस का जो ये समझता है कि आप जानबूझ के करती हैं ऐसे, ये फॉर्मूला वाली चीज या सॉल्ट और नमक। आप मुझे एक बात बताएं, रोज कौन आर्टिफिशियल बनेगा भाई? मेरी तो यासे से लड़ाई होती है, आके बता देती हूँ मैं यहाँ से फटा हो गया है वो, मतलब जो छुपाने वाली बात है वो। मैं 14 साल रोज सुबह 9 बजे, कोई आर्टिफिशियल नहीं बन सकता, कोई फेक नहीं बन सकता, मैं जो हूँ वो हूँ। तो जो फ्लॉज हैं वो हैं आपके साथ नजर आते हैं, क्योंकि रोज आना होता है स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छुपा सके अब अपनी पर्सनैलिटी के हिस्से को। मैं वो जिम्मेदारी रखती हूँ कि मेरी वजह से किसी की इज्जत नहीं खराब हो, जो मेरा गेस्ट बैठा है मेरी वजह से उसकी इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए, कोई ऐसी फजूल चीज वायरल ना हो जाए जो उसको बहुत नुकसान पहुंचे, मुझे इसका डर लगता है बस। तो जैसे ये लोग तनकीद भी करते हैं कि आयशा को फॉर एग्जांपल आपने बनाया, उनका डांस वायरल हुआ तो उनको आपने बुला लिया, अब जब कोई मैंने उनको डांस की वजह से नहीं बुलाया। अच्छा, मैंने उनको इसलिए बुलाया कि क्यों वायरल हो रहा है उनका डांस, क्या वजह है? लोग जो मोबाइल खोलो हर जगह नजर आ रही है, तो जब आपको कोई हर चीज हो रही होती है ना तो आपको पिस्सू तो पड़ते हैं यार, क्या है ये, इतनी सी चीज से क्या भाई? इज्जत देने वाला वो है, हमें नहीं पता कि किस क्या क्या इतने लोग मेहनतें कर रहे हैं, कितने जूते चटकाते हैं इस प्रोडक्शन हाउस उस प्रोडक्शन हाउस, कितने सालों से कर रहे होते हैं, उनको इतने मेहनत के बाद कोई मकाम मिलता है। तो आपको आपको लगता नहीं है हमारी जो जो क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं, उनकी भी थोड़ी सी मुनाफ़त है कि एक चीज जो कि ऑलरेडी वायरल हुई भी है, आपने तो नहीं की? मैंने थोड़ी की है, आपने तो मशहूर थी तो बुलाया, शो पे बुलाया आपने, जो मशहूर लोग होते हैं वही तो आते हैं ना मेरे शो पे। एग्जैक्टली, फिर तो मतलब ये मुनाफ़त की बात नहीं है, अजीब सी? वही तो मैं कह रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं, मुझे नहीं समझ में आती ये बात। हाँ। कि या तो आपने अपने शो पे किसी को बुलाया हो वहाँ से, या तो कोई दुनिया में उसको जानता नहीं था और मैंने ही उसे चढ़ाया हो, मैं इसका क्रेडिट क्यों लूँ? मैंने तो नहीं किया भाई, वो मशहूर थी तो, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं ना। जस्टिन बीबीज को आपने बुलाया, मैंने वो शो रिपीट पे देखा था रात को, वो चल रहा था, एंड आई थॉट टू माय सेल्फ यार कि ये एक्चुअली निदा के क्रेडिट की बात है, कि ये
उनकी दो बच्चियां हैं। वो तो याद नहीं रहा किसी है। वो किया, उसके बाद उनको कोक स्टूडियो भी मिला, अभी तक वो परफॉर्म भी कर रही हैं। आपने बुलाया? मैंने वो बच्ची जो निम्रा जो थी, जो तेज तेज नहीं बोलती थी, जी जी जी, उसको बुला लिया अगर शो पे। चलो यार, अगर मेरे बुलाने से उसको मदद हो सकती है तो क्या है भले। नहीं, वो तो इतनी टैलेंटेड नहीं है। वो हम कौन है किसी को जज करने वाले कि वो टैलेंटेड नहीं है और वो है और वो नहीं है। हम तो कोई नहीं है, मशहूर है तो सही। आइए सोफे पे बैठिए। आपका प्रोसेस क्या है टीम का? आपकी टीम स्काउट कर रही होती है, जैसे सोशल मीडिया पे कोई क्लिप वायरल हो गया तो वो पहले से उनका होता है भाई कि हाँ इसको पकड़ लो यार, इसको बुलाओ शो पे, या आप उनको डायरेक्ट करती हैं कि यार इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ? प्रोसेस क्या है? मैं भी कभी मैं करती हूँ, कभी टीम का कोई मेंबर करता है, कभी कोई करता है, कभी कोई हमें खुद अप्रोच करता है और हमें आदत है अरे यार ये तो अच्छा आइडिया, बुला लेते चलो। वो पूरा शो मैंने उस बच्ची को डेडिकेट नहीं किया था, उसके शो का, उस शो का वो हिस्सा थी, उस शो में वो फॉर्मेट था और वो अपनी दोस्त की मेहंदी में वायरल हुई थी, तो मेरे वो फॉर्मेट पे बहुत सही बैठ रही थी तो मैंने उसको बुला लिया। तो ये जब कोई आपके शो से ज्यादातर कंट्रोवर्सी उस तरह की तो नहीं निकलती जैसे आप भी कह रही हैं कि कोई हर्ट नहीं होता? मुझे एक बात बताएं, जो सारे ये पेजेस हैं जितने भी सोशल मीडिया के पेजेस, ये क्यों खबरें लगाते हैं? क्यों खबरें? उन्होंने भी अपना पेट भरना है, उन्होंने भी अपने पेज को एक अपर लेवल पे लेके जाना है। बिल्कुल, वो भी यही, सबको व्यूज चाहिए, सबको व्यूज हमें भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, दीजिएगा व्यूज। नहीं, the fact is के हमें, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे। अगर हम ये boring conversation यहाँ पे बैठ के ले जाएं तो कौन देखेगा? अगर मैं सुबह सुबह बोरियत करती रहूँ हर वक्त, हाँ तो फिर 14 साल चलाऊंगी शो क्या? Exactly। और क्या? अगर चेंज चाहिए तो मेरे ख्याल में वो ऑडियंस की तरफ से शुरू। मैं तो आम जिंदगी में बोरिंग नहीं हूँ तो मैं शो बोरिंग कैसे करूँ? मेरी पर्सनैलिटी नहीं है ऐसी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब कंट्रोवर्सी तो जैसे मैं कह रहा हूँ उस नौयत की नहीं निकलती कि खुदा ना खासा कोई हर्ट हो या क्या हो, बट जो आपकी ट्रोलिंग होती है या जब मीम्स बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाती हैं, डू दे टेक अ टोल ऑन यू? आप स्ट्रेस में जाती हैं, आप एंजाइटी? कभी कभार, कभी कभार, मैं हर वक्त नहीं। आखिरी बार ऐसा क्या हुआ था जिससे? मैं बताऊं, वो ट्रोलिंग की वजह से नहीं होता, वो कभी आप वैसे ही अपसेट होते हैं, आपकी शायद तबीयत सही नहीं होती है, आपको, आप सेंसिटिव हुए हुए होते हैं, आपको छोटी सी बात बुरी लग रही होती है, अपने घर वालों की भी लगती है, अपने टीचर्स कलीग्स की भी लगती है, और कभी कभार आप बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप कुछ असर ही नहीं होता। शो पे ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से अभी रिसेंटली या कुछ अर्से पहले आप बहुत एंग्जाइटी आपने महसूस की हो या थोड़ा सा आपको बुरा महसूस हुआ हो रिएक्शन के बाद? नहीं नहीं, कोई ऐसा शो, कोई ऐसा जैसे कहते हैं भंड, कोई ऐसा मसला नहीं। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हमने एक प्लानिंग की होती है कि शो ऐसे लेके चलना, ऐसे लेके चलना, ऐसे लेके, जब वो कभी कभार मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होता नहीं, कोई अरेंजमेंट में गलती हो गई, कोई गेस्ट नहीं आ सका या कुछ, फिर मेरा दिन नहीं अच्छा गुजरता। जब मैं मेरी एक्सपेक्टेशन पे वो शो पूरा नहीं उतरता फिर मेरा दिन बहुत बुरा गुजरता है, और जब मैं शो अच्छा करके आती हूँ जो मैंने सोचा होता है वो, और रेटिंग भी आ जाती है, फिर तो मैं, मेरे पैर जमीन पे नहीं टिकते। तो फॉर्मूला हो गया या सॉल्ट और नमक हो गया, वो चीजें नहीं बॉदर करती हैं? मुझे सॉल्ट और नमक वाला तो मुझे पता ही नहीं था, वो तो मुझे किसी ने बताया, आपने सॉल्ट और नमक बोल दिया, अच्छा मुझे तो नहीं पता। फॉर्मूला वाला 6 साल बाद कोई चीज वायरल हुई, 6 साल और इतनी वायरल हुई, 6 साल तक मुझे पता ही नहीं कि मैंने गलती की है, तभी तो मैं बेचारे से कसम खुदा कि मुझे कख नहीं पता था इस बारे में, और मेरे हाथ में कार्ड था, मैंने बताया भी था शायद आपके, आपको उस पर बताया था सोशल मीडिया का जो आपका प्रोग्राम था, कि वो मेरे हाथ में कार्ड आया था पर मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने का, क्योंकि मैं जो उसके बाद गेस्ट आने थे ना वो नाराज होकर जा रहे थे, मैं उनको मना रही थी प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि प्रोड्यूसर भी आप शो की जी, तो मैं मतलब कैसे मैं उनको नाराज, वो नहीं रिसर्च नहीं हो सकी उस टाइम, रिसर्च मैं पढ़ नहीं सकी, लिखी हुई थी सब चीजें, टीम जो मेरी लड़की बैठी थी कान में वो, उसको भी नहीं पता था। बट बताएं फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, वो जब इतना हो रहा होता है, बच्चे यासिर भाई, बाकी बहनें, सब अंकल, कोई कहता है कि यार क्या बस कर दो अभी, यू नो बच्चे बोलते हैं अम्मा फॉर्मूला वन नहीं पता, मैंने कहा यार 6 साल पहले नहीं पता था, अब पता है, सही है, हो गया ब्लंडर यार, मतलब बुरा दिन था। तो मेरे मियाँ ने सपोर्ट की, मेरे मियाँ कहने कोई बात नहीं भाई, हर चीज़ थोड़ी पता हो सकती है, तुम्हें उदास नहीं हो, मुझे मेरे सीईओ ने भी कहने था पढ़ लिया करो, मैंने कहा 6 साल पहले की बात थी, नहीं पता था ना क्या हो गया, तो फिर सब हंसने लगे जब मैंने बताया कि 6 साल पहले की बात थी, तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है चीज़ों को, और स्पेशली यासिर भाई तो खुद जंप कर देते हैं बैंड वैगन पे और मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, खुद ही वीडियोज बनाना। मुझे यासिर ने समझाया कि दूसरों को हंसने के बजाय तुम खुद तो हंसो ना अपनी बेवकूफियों पे, मेरी अम्मी अब्बू कहते तो तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तो ठीक है अब सही दुनिया कहती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो गया।
बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल हो गए, अब मेरे ख्याल में चलते हैं एक गेम की तरफ। चलें। इस गेम का नाम है डेंजर डेक। अच्छा। लेकिन डेंजरस गेम बिल्कुल नहीं, बड़े अच्छे मासूमाना से सवाल हैं। हाँ। जो मैं आपसे पूछूंगा और आपने जवाब देने। जैसे मैं तो हूँ ही खतरों की खिलाड़ी। अच्छा, खतरों वाले पूछ ले तो कोई मसला नहीं। चले खतरों वाले पूछ ले। चले पूछ ले। ये जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, इनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या मशवरा देना चाहेंगी? ठीक है। क्या आप इनको फीडबैक देना चाहेंगी? ठीक है। नंबर वन, नादिया खान। नादिया खान, मैं नादिया खान का मॉर्निंग शो बहुत मिस करती हूँ। दोबारा करना चाहिए उन्हें। दोबारा करना चाहिए। रेटिंग्स की दौड़ हो, मजा आए। मतलब आप कॉम्पिटिशन फील करती हैं कभी? मुझे नादिया खान के मॉर्निंग शो से प्यार था, और अगर वो दोबारा करेंगी तो तब भी होगी। मुझे नादिया से बात करने में मजा आता है। मैंने उनका शो देख देख के मुझे मॉर्निंग शो करने का शौक हुआ। तो मैं तो उनको यही कहूंगी कि मिस करती हूँ, प्लीज वापस आए। ठीक है। राबिया आनम को क्या कहना चाहिए? राबिया आनम को कहूंगी, क्या कहूंगी मैं क्या, इतनी वो पढ़ी लिखी हैं, इतना अच्छा बोलती, मैं उनको क्या मशवरा दूँ? मैं तो उनके सामने इतनी सी हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है उनको मुझे मशवरे देने चाहिए, उनके मशवरे बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। हाँ। चलिए, ये भी अच्छा फीडबैक है कि वो आपको मशवरे दिया गया। वो उनको हर टॉपिक पे बात करना। ठीक है। शाइस्ता लोधी। शाइस्ता लोधी जितनी दिल की अच्छी है, वो सब उसके चेहरे पे नजर आती है। माशाल्लाह। वो उसकी चेहरा ग्लो करता है, आप उसे स्क्रीन के अलावा भी अगर देखें ना, ऐसा लगता है कमरे, मतलब कोई बल्ब आ गया है कमरे में। ठीक है। चमकती, तो वो दिल है जो उनका, वो उनकी चेहरे पे झलकती, नूर आ रहा है। नूर। साहिर लोधी भी बहुत अच्छा बनता है, उसको भी बहुत लोग ट्रोल करते हैं, है ना? वो ज्यादती करते हैं। तो फिर आप क्योंकि मैं, वो भी कैमरे पे अकेले बोल सकता है पूरे आप पूरी फिल्म कर सकता है अकेले हीरो। आप और साहिर के बीच में अगर कंपटीशन हो, कौन ज्यादा देर कैमरे में अकेला देख के, साहिर जीत जाएंगे आपसे? मेरी तो आंखें झपक जाएंगी। यासिर नवाज को क्या कहना चाहेंगी आप, जो आप ऑलरेडी नहीं कह चुकी या नहीं कह सकती? शुक्र है आज लड़ाई नहीं हुई, वरना बहुत कुछ कह जाता। मूड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मेरा मूड यासिर के साथ अच्छा है, और यासिर इतना मूडी है, किसी दिन तो इतना अच्छा होगा, इतना प्यारा, इतना मजाकिया, किसी दिन सड़ियल। हफ्ते में कितनी दिन लड़ाई होती है आपकी? अब बहुत कम हो गई है, सड़ियल कम हो गया है। अब कम हो गया। हाँ। अब 7 दिन में मतलब एक बार दो बार? हाँ, महीने में 2-3 बार। कोई छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है, कोई बड़ी बात भी गुजर जाती है। ठीक है। हाँ। अच्छा, मॉर्निंग शो करने के 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस। हाय, डिसएडवांटेजेस सबसे पहले मॉर्निंग शो करने के, मुझे ट्रैवलिंग से इश्क है, बहुत शौक। मेरे बस चले तो मेरे पास जितने भी पैसे हैं उसका एक हिस्सा निकाल के हर महीने जाऊं कहीं घूम, ट्रैवलिंग कम हो जाती है, नींद नहीं पूरी होती, चाहे कुछ भी कर लूं नींद नहीं पूरी होती। दूसरा और तीसरा डिसएडवांटेज, बहुत ज्यादा टीवी पे आते हैं बहुत ज्यादा, मतलब टीवी पे रोज आ रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे इश्तेहार नहीं मिलते। मैंने इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के एड्स किए हैं, वो कह रहे होते हैं रोज ही लड़की होती है टीवी पे, हम क्या बुलाएं? मुझे ये बताएं, आप अपनी आउटफिट कैसे प्लान करती हैं? ये मेरे दिल से निकला सवाल है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है शो के लिए आउटफिट्स लाइनअप करना। पहले तो मैं जाती थी डिजाइनर्स के पास, जाके एक हफ्ते के कपड़े ले आती थी। मैं थक गई भाई, 14 साल। हाँ। रोज फिर मैंने अपने जो टीम के बच्चे थे उनको ट्रेन किया, मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, तुम एक डिजाइनर के, तुम देखो, इस तरह 4-5 लोग मेरे कपड़े अरेंज कर रहे थे ड्यूटी। हाँ, मुझे तस्वीरें आती हैं, अब मैं इतना ज्यादा जाती नहीं हूँ, आपके शो के लिए आने के लिए मैं खुद लेकर आई। माशाल्लाह, कितनी अच्छी लग रही है, हमेशा की तरह। 3 एडवांटेजेस मॉर्निंग शो। एडवांटेजेस, एक लगी लगाई रोजी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। ड्रामों में बेचारे एक्टर्स को काफी लेट हो जाते हैं चेक्स, मुझे टाइम पर सैलरी मिल जाती है, सही है? एक एडवांटेज ही हो गया। दूसरा, बहुत प्यार करते हैं। और तीसरा एडवांटेज बहुत है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। क्योंकि हर कोई तो मेरे सारे शो नहीं देखता, लेकिन मुझे तो मेरे सारे शो पता होते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। ठीक है। If you will have a chance to steal something from the following, what would you like to steal? इन लोगों में से अगर आप कुछ भी चीज़ चोरी करना चाहें, हाँ, क्या चोरी करेंगे? रीमा खान, उनकी स्किन और उनके बाल फौरन चोरी कर। मीरा जी, उनकी आवाज बड़ी अच्छी है। मेरी अगर ऐसी आवाज हो जाए तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़ारा नूर अब्बास, ये ज़ारा नूर अब्बास की भी स्किन अच्छी, लेकिन ज़ारा नूर अब्बास जो स्पॉन्टेनियस है ना, ओहो, वो चोरी करूँ। ठीक है। सुहाय अली अबड़ो,
अदाएं, अदाएं नहीं आती मुझे, बहुत भेंजी टाइप हूं मैं। वो अदाएं मुझे चाहिए, ये और वो जो उसके अंदर है। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी पता नहीं सबके साथ वो इतने अच्छे कैसे रहते हैं। उनकी वो क्वालिटी सबके साथ जो अच्छा रहना, आप भी तो सबके साथ, आपसे ज्यादा कौन सबके साथ। फिर भी मैं थोड़ी कभी नकचड़ी हो जाती हूँ, वो आदमी तो नकचड़ा हो ही नहीं सकता है ना। मतलब उनके बहुत दोस्त हैं, मैंने उनकी किसी से बुराई नहीं सुनी। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी। अच्छा, और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। हाँ, जबरदस्त ये एक्टिंग भी मिल जाए ना, चुरा लूं फौरन में। और आईलैशेस। अच्छा ठीक है, फैसल कुरैशी के आईलैशेस पे नोटिस करूंगा अगली बार। इन एंकर्स को सो 10, इन एंकर्स को आपने 10 में से नंबर देने। ठीक है। मदीहा नकवी। मदीहा नकवी जो वो काम कर रही है ना उसमें 9। 9 आउट ऑफ 10। न्यूज़ मैं नहीं कर सकती, मैं तो पन क्या करूंगी। ठीक है। राबिया अनम। राबिया अनम जो रिलीजियस शोज करती हैं उसके लिए 10। एहसन खान। एहसन खान रुक गई, 12, 10 में से 12। अच्छा, अरे भाई मजेदार होस्ट है। ठीक है। हाँ। सनम जंग हाँ 8.5। वो भी बहुत अच्छी होस्ट है। जब वो आई थी ना, मुझे किसी के आने से डर नहीं लगा था। मैं वो आई थी, मैंने कहा अल्लाह मियाँ आए हाय इससे कैसे मुकाबला करूँगी। कसम से मैंने अपनी टीम को ये कहा था। फहद मुस्तफ़ा भी बहुत अच्छे होस्ट है। नंबर मैं उनको एक्टिंग में 10 out of 10 दूंगी, होस्टिंग में 7। तीन नंबर क्यों काटे आपने? इसलिए कि जब वो मॉर्निंग शो करते थे तो एक सर्टेन शोज बहुत अच्छे करते थे, मगर वो थोड़ी हमारी तरह ऐसे कपड़े पहन के। तो इसलिए 7। बट अभी जीतो पाकिस्तान तो वो करते हैं, वो एक अलग किस्म का शो है ना। वो एनर्जी और वो हफ्ते में 2 दफा करते हैं। ठीक है। रोज इतना कोई नहीं चीख सकता, लेकिन वो एक्टर बहुत अच्छे। ठीक है। इन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा, मुझे कितने नंबर देंगे आप? आप बहुत अच्छे हो गए हैं करते करते और अभी अच्छे और हो जाएंगे। तो अभी कितने पे हो आप? बहुत फ्लुएंट हैं, मुझे मजा आ रहा है। 10 में से कितने में? 7.5 तो हो गए। 7.5 यार, निदा यासिर ने 7.5 दे दिए। बोर नहीं हो रही, देखिए जहाँ गेस्ट बोर नहीं हो रहा इसका मतलब होस्ट अच्छा है। तो बस 7.5 निदा यासिर से लेना, बहुत कमाल की बात है, क्योंकि अभी तो शो शुरू किया है। अभी तो हमने जाएंगे इंशाल्लाह 10 पे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हु अकॉर्डिंग टू यू इन द इंडस्ट्री इज टू फेस्ड? जो सामने कुछ और पीछे कुछ और, एक नाम लेना आपने एटलीस्ट। वही होते हैं सामने जो, अब मैं कह रही हूँ ना, मैं इतने सारे लोगों के कच्चे चिट्ठे जानती हूँ, मैं नहीं बोल सकती कि आप कौन नहीं है आप वो मुझे तो सब पता है, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ? फिर आप मेरा शो बंद करें, कौन आएगा गेस्ट पे मेरे? चले मैं पूछ नहीं करता। हाँ। ये सवाल मैं समझ सकता हूँ। हाँ। टेक्निकल हो सकता है। अच्छा, सोशल मीडिया से एक शिकायत? मुझे नहीं है सोशल मीडिया से शिकायत, अगर डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस भी बहुत। मुझे नहीं है सोशल मीडिया से शिकायत। हाँ बिल्कुल नहीं। इनमें से किसकी शादी का इंतजार है मॉर्निंग शो के लिए? ठीक है, मैं नाम लेता हूँ। हाँ। यशमा गिल। हाँ। कुबरा खान, नीलम मुनि। सभी कर ले शादियां, मौका मिल जाएगा मुझे बुलाने का। तीनों कर ले, 3 शोज मिल जाएंगे। What would you like to see first on the phone of the following people? अच्छा, सजाद अली का फोन आपको मिल जाए, पहली क्या चीज देखना चाहेंगे आप? मैं क्यों पूछूं किसी के फोन में, मतलब क्या मतलब? चले अगर उन्होंने खुद ही आपको फोन दे दिया। वो नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे, वो बहुत सख्त हैं इस बात में। अच्छा, फवाद खान का फोन मिल जाए आपको? क्या मुझे किसी के, मैं अपने मियाँ का फोन नहीं देखती तो मैं दूसरों का फोन क्यों देखूं? हुमायूं सईद का भी नहीं, उनका भी नाम, उनका फोन उनकी बीवी देखे, मैं क्यों देखूं? और क्या ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई क्रिटिसिज्म जो आपने यासिर भाई को दिया हो, और सबसे जो हार्शेस्ट क्रिटिसिज्म आपने उनको दिया है? अरे भाई, वो यासिर को क्रिटिसाइज करती हो तो नाराज हो जाता है मुझसे। वाकई? हाँ हाँ। काम को, उनकी परफॉर्मेंस को, किसी चीज को लेके? हाँ, कह दिया मोटे लग रहे हो, नाराज हो गए। खाना अगर उठा लूं कि नहीं यासिर मोटे हो जाओगे, तो नाराज हो जाते हैं। वाकई? मेरी कोई मजाल में उसको क्रिटिसाइज करूं? लेकिन आपने चौधरी एंड सन्स में उनके रोल के बारे में बोला था। हाँ, वो नाराज हुए थे फिर बाद में? हुआ था नाराज, क्या जरूरत थी बोलने की, मैंने कहा कटवा देते, क्यों नहीं कटवाया। ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग एक्टर्स को आपने 10 में से नंबर देने। ठीक है। सारा खान ऑप्शन बताएं और कौन कौन है फिर ये क्या बात मैं, है? ताकि फिर मैं नंबर उस हिसाब से दूंगी ना। नहीं, आपने 10 में से देने, आप इंडिविजुअली दें। सारा खान को 10 में से कितने नंबर देने? 7.5। ठीक है। माया अली? 9.5। अच्छा,
अदनान सिद्दीकी 7.5 ठीक है। आयजा खान 8.5 8.5 साढ़े पे बड़ा आपका है, मतलब ये क्या 0.5 क्यों आप देती हैं? आपको जब खरीदने जाते हैं 799 लग रहा होता है 700 पर वो होता है 800। मिनाल खान भी 7.5 7.5 ठीक है। 7.5 आप सबको, मतलब जो आपको लगता है ना कि जिनमें भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, जो मुझे सबसे ज्यादा लगे मैंने उनको 9.5 दिए ना। आपने दिए 7.5 आप उनको देखती है, मैंने नोटिस किया जैसे आपने मुझे दिए कि बेहतर हो सकता है मतलब। हाँ ठीक है बुरे नहीं है ना, अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, बुरा पूछा ही नहीं आपने, कोई बुरा होता तो मैं कहती 5। आप खुद बता दें 3-2 आप खुद बता दें जो एक्टर जो आपको लगता है कि जो बेहतर कर, मैं खुद कुएं में छलांग लगाओ। वक्त हुआ निधा एक और गेम का। जी आए आपको एक और गेम खिलाते हैं, बड़े मजे की गेम है, नई गेम है, हमने पहले नहीं खेली है। अच्छा आज हम पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं। ऐसा क्या है, मतलब डराए मत, बहुत बड़े मजे की गेम। हाँ तो आपने बलून फुलाना है, ठीक है, और बलून की हवा से आपने इनको कप्स को नीचे फेंकना है, ग्लास जो मैं करवाती हूँ शो पे आज मेरे साथ है ना, बस ये हो गया है, मतलब बहुत वीक हूँ बलून फुलाने में। और टाइमर लगा होगा 60 सेकंड्स। ओए होए ठीक है, आए हाय अच्छा ओके हम रेडी, टाइमर ऑन कर दे भाई, टाइमर ऑन गो करो हमें, 3-2-1 गो। गिरी नहीं रहे कम्बक, ये चिपके हुए तो नहीं है? आप हाथ से कर रही हैं? नहीं नहीं मैं क्या, कोई नहीं, हाथ से किया है निधा, आपने हाथ से किया, हाथ से किया आपने। एक ग्लास भी मुझसे गिर रहा है। जीता है, मैं जीता हूँ। वेरी स्मार्ट। अरे भाई मैं पता है, इसका मतलब मेरी फूंक में फूंकी नहीं है। आप मैंने खुद देखा, उंगली से यूं करी है, बड़ी होशियार। एक ग्लास मुझसे हिलने और आप पता नहीं कैसे किए जा रहे थे। लेकिन आप देखें, करना क्या है मुझे, जो जीतता है हाँ। वो विनर और अच्छा। जो हारता है उसको एक प्रैंक करना होता है। प्रैंक समझ लीजिए हाँ। एक हारने की सूरत में मैं कोई हनीफ राज हूं, छुप छुपा के कर आप है मुझे क्या। नहीं उस तरह का प्रैंक नहीं है हाँ। एक मजे की समझ लें कि एक और गेम हाँ। आपको किसी को कॉल करना है, किसी सेलिब्रिटी को, और उनको कन्विंस करना है कि वो मेरे शो में आए। तो आपके शो में तो सब खुशी खुशी आएंगे, आप बोलेंगे ऑन द स्पॉट चेक मिलता है। कुछ 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 लोग चाहते हैं कि चेक के ऊपर जो नंबर है ना वो ज्यादा बड़ा है। आप क्योंकि सबसे बड़ी होस्ट हैं हाँ। आपको तो कोई नहीं मना कर सकता। नहीं। जब आप किसी को फोन करके बोलेंगे कि उन्हें आपके शो पे नहीं मेरे शो पे आना है हाँ। तो ये बड़े मजे की चीज है। तो क्या पैसे बाकी मुझे देने पड़ेंगे? नहीं नहीं पैसे हम हैंडल कर लेंगे, हो सकता है आप बुलाएं तो कोई पैसे मांगे ही नहीं। ऐसा तो कोई नहीं है कि पैसे ना मांगे। एक है यासिर नवाज के नाम से शायद, वो भी नहीं है मेरे शो पे आने के भी पैसे लेते हैं। अच्छा वाकई में? हाँ ये नहीं पूछूंगा कि, और खाली उन्हीं को मैं ऑन द स्पॉट चेक देती हूँ अपने फिर जाओ मेरे चैनल वाले दे तो वो मुझे वापस करते, लेकिन वो खाली वही है एक बार। आप पहले आप बताएं आप किसको कॉल करें। इस वक्त मुझे लगता है एक ही शख्स है जो मेरी कॉल उठा लेगा एक ही बेल पे, वरना आपको पता है आज तो यासिर भाई को कॉल दे। हाँ क्योंकि शूटिंग पे भी वो होता है तो मैं उठा लेता मेरी कॉल, वरना मैं असिस्टेंट को कर देती हूं। आप यहां पे रखें स्पीकर पे ताकि हम माइक में उनकी आवाज भी कैप्चर करें ना। ठीक है वो बोलेंगे हेलो डार्लिंग क्या हाल है ऐसा कुछ ना, ऐसे वो बात करते नहीं है तभी कर रही हूं। अच्छा मिलाए जी मिलाए, मैं उनकी बीवी हूं, हीरोइन थोड़ी हूं और क्या। तो मुझसे आपने खुद ही राज आउट कर दिया आज। ओके हाले अल्लाह इज्जत रह जाए। हेलो यासिर। हाँ हाँ क्या हाल है, ठीक हो? क्या मतलब? नहीं आपकी तबीयत खराब थी ना, पूछ रही हूँ तबीयत ठीक है ना। आप तो तबीयत पूछूं तो लड़ रही हो से। अच्छा ठीक हो। अच्छा सुनो वो आपके पास टाइम है थोड़ा? क्या है? आप टाइम निकाल सकते हो, एक शो पे इनवाइट करना है। कौन से शो वाले में? हाँ आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि मैं हसन के शो की बात करने वाली?
दिन पहले तुमने जिक्र किया शो में जाना है, तो ऐसे बात नहीं करती ना, क्या करूं। अच्छा आप आ जाओगे, मैं लोग कंफर्म कर दूं, बताओ ऐसे हो क्या जाऊं नहीं, फ्री में डिस्काउंट दे देना, मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो ना मेरे नाम पर। है कितने खराब हो। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं? हेलो, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, हसन बात करो। कैसे? वालेकुम हसन, कैसे हैं भाई? अरे ये शो ऐसे बुला रहा हूँ, बंदा कॉल करता है, इनवाइट करता है भाई। मैंने सोचा कि हेडक्वार्टर से कॉल करवाऊँ ना आपको, मना नहीं कर पाएंगे आप। थैंक यू थैंक यू यासिर भाई, ये एक मजे की हमने गेम खेली, तो निदा हार गई वो गेम, तो एज पनिशमेंट हमने उनको बोला कि आप किसी को कॉल करके कन्विंस करें मेरे शो पे आने के लिए, तो उन्होंने आपको कॉल मिलाई, एंड सो नाइस ऑफ यू कि आपने हामी भर ली। बहुत जल्द उम्मीद है कि आप हमारे शो पे आएंगे और मजीद चार चांद लगाएंगे। क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हो? कह रही है सारी बातें रिकॉर्ड, तो क्या मैं आपसे मजाक कर रही हूँ क्या? और नहीं तो क्या, मेरा और आपका मजाक का क्या रिश्ता? थैंक यू यासिर भाई, थैंक यू, ओके, खुदा हाफिज़। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। मान गए यासिर भाई, आपको कोई कैसे मना कर सकता है? अच्छा क्या बात कर रहे हैं, किसी को भी आप तो कॉल कर लेती। किसको? आपकी ये किसी को भी नहीं? नहीं तो उन्होंने आ जाना था। नहीं नहीं अब ऐसी बात नहीं है, हमें आपको भी मुश्किल होती होगी, मुझे भी मुश्किल होती है, जाहिर है रोज का शो है। बड़े मजे की गेम है, कुछ गाने हैं जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा, आपको वो गाने गैस करने, ठीक है? अर्लियर देयर वाज सोरो एट टाइम्स बट नाउ योर मेमोरीज टॉर्मेंट ऑल द टाइम, बट नाउ योर मेमोरीज टॉर्मेंट ऑल द टाइम। अर्लियर देयर वाज सम सैड टाइम्स but now only your memories, tumhari yaadein pehle earlier there was sad time, pehle udaasi thi, ha actually udaasi nahi isko udaasi ki bhi badi ek hota na jo bada darja udaasi se bada darja, hum ghamgin pehle पहले गम था, अभी खुशी खुश, कभी तो पहले गम था या वो अब तो तेरी पहले तो कभी कभी गम था, याद आ गया, अब तो हर पल तेरी याद सताती है। मुझे तो यही सही गाना, वेल डन, आपने गेस कर, मुझे खाली ट्रांसलेशन की वजह से ऐसे याद नहीं आता, ठीक है। अच्छा, ओहो, दिस माउंटेन हेडेड लुकिंग फॉर यू इन द डेप्थ्स ऑफ रिवर, ये दिस माउंटेन आई हैव क्लाइम्ड, पहाड़ सर किए ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों में, सही है, बिल्कुल सही, क्या तुक्के लगा रही हूँ मैं, मुझे तो पता ही नहीं था मैं खेलती थी इस गेम में। ओहो भाई भाई, योर शर्ट इज ब्लैक एंड कमीज तेरी, वाह 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 यार, किसोड़े भुलावा। ओहो, I saw you in laughing cheeks, in bad thoughts, in beauty, in Sony's hair, in peacock walks. Morni. I saw you in laughing cheeks, in bad thoughts, gal, in beauty, muskurati, in Sony's hair, Sony, in peacock's walk. Sony lagti na. Nahi. आप पहली लाइन समझे ना, आई सॉ यू इन लाफिंग चीक्स, देखा देख लाफिंग चीक्स, आई सॉ यू इन चीक्स दैट वर लाफिंग, गाल हुए ना चीक्स, और लाफिंग मुस्कुराते गाल, आई सॉ यू, आई सॉ, देखा तुम्हें, देखा तुम्हारे गालों को, हाय हाय बड़ा चीप है, आई सॉ यू इन, अच्छा मैं आई सॉ यू इन,
I saw you in cheeks that were laughing. I saw you in bad thoughts, in beauty, in Sony's hair. I saw you in Sony's hair, in peacock walks. बहुत आसान है, इतना मशहूर गाना है. आप सोचें एक सेकंड कि मैं कह क्या रहा हूँ. I saw you. अच्छा हिंट दे दें खाली. I saw you. किस सिंगर का गाना था? पाकिस्तान के माया नाज सिंगर, बहुत बड़े सिंगर. नाम बताएं माया नाज तो. अभी तो आप कितने सिंगर हैं पाकिस्तान के जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मशहूर सिंगर. रात फतेह अली खान का. अली जफर. अली जफर का कौन सा गाना अभी भी है? I saw you in laughing. अभी तो आपको समझ जाना चाहिए. I saw you की ट्रांसलेशन क्या होगी? देखा, मैंने देखा. I saw you in laughing cheeks, in Sony's hair, मैंने in देखा. हाँ हाँ हाँ, पहुंच रही हैं आप. In peacock walk. कुछ बताओ ना, बेईमानी करो. मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा हंसते हुए गालों में, ख्यालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में. मैं नहीं पहुंच पाती. दिल झूम झूम. पहुंच तो गई थी आप. नहीं, बहुत मुश्किल हुई भाई. चलें, इसी गेम की एक एक्सटेंशन है. अच्छा, जब मैं आपको अब अंग्रेजी के लफ्ज बताऊंगा, आपने उनको उर्दू तर्जमा बताया. बहुत मुश्किल होगा, मुझे पता है आप क्या क्या पूछेंगे. सिंपल. हाँ. ग्रे. सुरमई. वेरी गुड. ओ सिविल वॉर. हाय हाय. मुल्क में सिविल वॉर वाली सिचुएशन है. वो कर्फ्यू. नहीं नहीं, कर्फ्यू तो खुद इंग्लिश के. खाना जंगी. खाना जंगी. कोरिएंडर सीड्स. धनिया. सूखा धनिया. सूखा धनिया. ठीक है. ओ फेन्यूग्रीक लीव्स. मैं बताती हूँ अभी, मुझे पता है. वो फेन्यूग्रीक. मुझे पता है पता है पता है. अभी दिमाग में क्यों नहीं आ रही, मुझे शक्ल भी याद आ गई है. सौंफ. नहीं. जीरा. नहीं. दिमाग में आ रहा है, कुकिंग शो भी करती हूँ. शर्म आनी चाहिए मुझे. वो ग्रीन ग्रीन पतली पतली सी होती है ऐसे, पत्ते. आपको तो चीटिंग भी नहीं करानी है. मेथी. मेथी. मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे उसकी शक्ल इमेज आ रहा था. ठीक है. अब फिर ये वाला गेस करें. रोलिंग पिन. रोलिंग पिन. रोलिंग पिन. ये आल पिन. नहीं नहीं, वो वाली नहीं. किचन में इस्तेमाल होती रोलिंग पिन. हाँ, बेलन. बेलन. ना याद आ गया. आर्किटेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? कभी सोचा ही नहीं हम लोग, पता है उर्दू और इंग्लिश मिला के बोलते हैं कि हमने सोचा ही नहीं. ये पता है कि वो काम क्या करता है? नक्शे बनाता है. कुछ मुश्किल नाम है उसका. मैमार. ये तो गैस पैसे नहीं, मैंने खुद ही बोल दिया. नहीं नहीं, लेकिन ये मुझे पता था, पर क्योंकि मैंने भी ये एक्टिविटी की थी अपने अच्छा, शो पे. हाँ, course. तो मैं मार. ठीक है. रिवर. दरिया. यार ये तो, ये क्यों आपने डाला? इतना सिंपल. थोड़ी इज्जत भी तो रह जाए ना इंसान की. ये अंग्रेजी आती है पढ़ी लिखी. अच्छा, अब आपने मूवी के नाम बताने. मैं आपको बता रहा हूँ उर्दू टाइटल बता रहा हूँ. आपने इंग्लिश मूवी का नाम गैस करना है. ठीक है. जबड़े. मैं समझी नहीं, मतलब मैं आपको उर्दू लफ्ज बता रहा हूँ. और ये इंग्लिश है? एक्चुअली इंग्लिश फिल्म का टाइटल है, तो आपने फिल्म गेस करनी है. जबड़े. हाँ, बट इंग्लिश फिल्म. जबड़े. हाँ हाँ, जबड़े तो है, पर मैं ना इतनी इंग्लिश मूवीज देखती नहीं हूँ. बट जबड़े की ट्रांसलेशन क्या होगी इंग्लिश? जॉज. जॉज. हाँ, ये जॉज. वो शार्क वाली. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और ये अभी आपने बताया, तो ये आपने गेस करनी है. हाँ, क्योंकि इसकी आपने ट्रांसलेशन अभी बताई है. सुरमई के 50 साए. मैंने वो देखी हुई है. अच्छा. हाँ, शेड्स ऑफ ग्रे कुछ इस तरह. 50 साए. 50 शेड्स ऑफ ग्रे. हाँ, है ना, ये देखी है आपने. हाँ. अच्छा, किसी को काटे. क्या मतलब है? कह रही किसी को बताना नहीं, शो में कह रही. मैं पूछूंगी कैसी लगी आपको. समझ ही नहीं आई मुझे.
खत्म कर देने वाला, खत्म करने वाला, बहुत आइकॉनिक फिल्म सीरीज फ्रेंचाइज थी, खत्म करने वाला। एंड वन वर्ड है, वन वर्ड मूवी टाइटल, बहुत आइकॉनिक, खत्म करने वाला। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, वो टर्मिनेटर। वेरी गुड जी, कैस कर लिया आपने हिंट के साथ। हाँ हाँ, ओ मरने का वक्त नहीं, समझ आ गई। कौन सी याद नहीं आ रही? मरने का वक्त नहीं, मरने का वक्त नहीं, मरने का वक्त नहीं। टाइम नॉट टू डाई। यस यस, वेरी क्लोज। हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं, पहले आता है। अच्छा, पहले उर्दू में बिल्कुल इस तरह करें, उसी तरह सीक्वेंस करें। नहीं हाँ, वक्त का मरने। नहीं नहीं, नो हाँ, नॉट टू टाइम, नो नॉट, नॉट नो नो नो, मैंने नहीं देखी होगी शायद, आपने म्यूजिक भी वो करी है। नो टाइम टू डाई, मैंने नहीं देखी, कोई बात नहीं। हाँ, वेल प्लेड, नो टाइम। ज्यादातर गेम्स आपने बहुत अच्छी खेली। हाँ, बल्कि सारी अच्छी खेली। हाँ, एक दो जगह आप नहीं कर पाए। ये मुश्किल थे भाई, मुश्किल थे, आपने बहुत हाँ, अच्छा किया। थैंक यू सो मच निदा, आप मेरे शो में आई। आपका शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, इतना मजा आया, इतना कुछ मैंने सीखा। आप मतलब मैंने आपको पहले भी इंटरव्यूज दिए, लेकिन आप अब 10 होस्ट हो गए। मेरे लिए तालियां भाई, मेरे लिए तालियां। थैंक यू सो मच तारीफों के लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने आपसे टिप्स सीखे हैं, मैं उनको आगे काम में लाऊंगा। आपको जरूरत नहीं है टिप्स? नहीं नहीं है, क्यों नहीं है। और मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने हमारे शो का इंट्रो आज दिया इतना जबरदस्त, हाँ, वैसे अगर आप एक्स्ट्रो भी करें, यानी कि इजाजत भी आप लें सबसे। मतलब आप चाहते मैं काम ही करती रहूं और मैं आराम ना करूं? और मैं सीखता रहूं ना। आई एम प्लीज यहां पे फातिमा हजरत निदा यासिर भाई, मुझे तो बहुत मजा आया, और मुझे पता है जब मुझे मजा आया तो ऑडियंस को कैसे मजा नहीं आ सकता है ना। तो ये शो आपने एंजॉय किया, थैंक्स टू पूरी टीम के, आपके प्रोग्राम की टीम के, इतनी अच्छी एक्टिविटीज डिजाइन की आपने, बहुत स्मूथली शो लेके चले हैं। मैंने भी एंजॉय किया, ऑडियंस ने भी एंजॉय किया होगा, और वाकई आपको किसी को भी किसी से फ़ोन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके शो पे सेलिब्रिटी वैसे ही आना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और आपकी बातों में है एक मज़ा। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, नॉट दैट कि निदा मेरी पड़ोसी हैं इसलिए, बट मुझे जेन्युइनली कभी कभी लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है, कुछ ट्रोलर्स हैं, एक सेक्शन है मीडिया का जो कि उनके साथ अनफेयर हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि निदा किसी को भी शो पे तब बुलाती हैं और उनके बुलाने के बाद कोई चीज़ वायरल होती है, ऐसी बात नहीं है। वो शो पे अपने गेस्ट को बहुत इज्जत के साथ बुलाती हैं, और तब बुलाती हैं जब कोई ऑलरेडी मशहूर हो रहा हो। तो और दूसरी बात मुझे पता है कि तोपों का रुख तो फिर एक ही तरफ होता है ना। हाँ, अभी और कोई शो हो नहीं रहे, तभी तो मैं चाहती हूँ दूसरे मॉर्निंग शो हो, तो तोपों का रुख थोड़ा इधर उधर भी तो हो। तोपों का रुख जिस तरफ भी हो, बट आई थिंक निदा इज एन इजी टारगेट, ऐसा मत किया करें। इतनी प्यारी शख्सियत है, हमेशा इतना प्यार बांटती है। थैंक यू सो मच निदा, मेरे शो का विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।